वाह कहते हैं भुजी को राग। वाह जली को आग कहते हैं भुजी को राग। इसी बनी बारूद को रुस्तम अंसारी कहते हैं और झरिया का परिवर्तन होना चाहिए। जी मैडम, नाम क्या हुआ सर आपका? अभय कुमार सिंह, झरिया निर्वाचन, घनवाड़ी विधानसभा क्षेत्र का। योर परिवर्तन होगा। थैंक यू। परिवर्तन होगा, परिवर्तन जी बिल्कुल परिवर्तन होगा। चाहता है झारखंड, चाहता है परिवर्तन। किसी एक घराने पे हम नहीं चलेंगे। एक ही घराने पर चले थे आदरणीय विधायक सुरदेव सिंह के, स्वर्गीय विधायक जी के पास। उसके बाद परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। थैंक यू जी। जी बिल्कुल सर, आप क्या बोल रहे थे? परिवर्तन होगा जी, बिल्कुल परिवर्तन होगा। क्यों नहीं परिवर्तन होगा ये झारखंड में? तमाम ये टाइगर आएगा, टाइगर टाइगर आएंगे जी, बिल्कुल टाइगर आएगा। और ये कैंची चलेगा जी, कैंची हमारा जन्म से भी है, मृत्यु से भी है, और सब जगह से ये काटने का काम करेगा, पूरा काटेगा, पूरा काटेगा। बीजेपी वाले कल वो हवा हवा ये छोड़िए ना, पैसा के बदल कितना दिन। अच्छा, झारखंड नया चाहता है, कुछ नया होना चाहिए, बदलाव चाह रहा, बदलाव 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 जी बदलाव। चलिए तो सरकार बनेगी या कुछ सीटें आएंगी? अरे सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, सरकार एक 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 दल है, गठबंधन और ठग बंधन। ये गठबंधन लेकर के सरकार बनाएगा, हम लोग तो एक एक बंधन में सरकार बनाएंगे, ये काम करेगा। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ से आप राज सिन्हा जी है इधर, और वहाँ झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह जी भी है, रागनी भाभी भी लड़ रही है। लोग बोल रहे हैं कि रुस्तम अंसारी जो है, तो इसी के कारण तो दोनों लोहा के बीच रुस्तम अंसारी को लाया गया है ना। अच्छा, टाइगर सोच विचार करके रुस्तम अंसारी को लाया है, ऐसा नहीं लाया है बस। तो निकल जाएंगे? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो ये जनता है, जनता बोल रही है मेम को मोड़ के बाहर। भैया कहाँ से आए हो? मैं झरिया से आया हूँ। झरिया से आए हैं, क्या लग रहा है, किसके साथ आए हैं? रुस्तम अंसारी। रुस्तम अंसारी के साथ। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा झरिया में? बदलाव हो जाएगा, पक्का पक्का पूरा बदलाव होगा। पूर्णिमा नीरज सिंह कुछ काम की है? कुछ काम नहीं की, कुछ काम नहीं की। तो रागिनी भाभी भी तो है मैदान में इस बार? वो भी नहीं, अब जो आएगा वो भैया आएगा। भैया आएगा पक्का है? पक्का। चलिए जिताना ही है, भैया को जिताना है, भैया को जिताना है। चलिए ठीक है। तो ये नजारा है मेमको मोड़ का, प्रत्याशियों के समर्थक आए हुए हैं। मल्लिका साथ साथ आइएगा इस तरफ। प्रत्याशियों के समर्थक पहुंचे हुए हैं नामांकन के लिए। जब तक कैंडिडेट अंदर गए हैं, उनके प्रत्याशी बाहर, प्रत्याशी के समर्थक जो है वो नारा लगा रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम नौशाद हुआ। कहाँ से आए हैं? झरिया से। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? रुस्तम अंसारी जी को। अच्छा एक बात बताइए, रुस्तम अंसारी जी वहाँ से जीतेंगे झरिया जी, से? हाँ हाँ जीतेंगे जी। अरे पूर्णिमा नीरज सिंह भी है, विधायक है जी, तो उनका क्या काम नहीं हुआ है वहाँ पे? काम हुआ है, काम हुआ है, हाँ हुआ है, कुछ काम हुआ है। बाकी अब सोच रहे हम लोग रुस्तम अंसारी जी को जीता। अच्छा रागिनी भाभी का क्या हाल है झरिया में, वो जीतेंगे क्या लग रहा है? उसके बारे में नहीं बता सकते, उसके बारे में नहीं पता। चलिए ठीक है। कुछ और लोग हैं भैया, नाम क्या? एम डी वाजिद। एम डी वाजिद, इस बार कौन जीतेगा? इस बार अब सरकार डिसाइड करेगा, हम लोग तो फिलहाल जितना है सपोर्ट कर सकते हैं। चलो तो सपोर्टर्स जो है वो मेमको मोड़ पहुंचे हुए हैं। किसी के हाथ में झंडा है, तो किसी ने गमछा बांध रखा है, तो कोई जो है वो नारेबाजी कर रहा है। भैया नाम क्या है? नाम क्या? अभिजीत पासवान। कहाँ से आए? धनबाद, यहीं से, केंदुआ से। केंदुआ से। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ देखने आए। माहौल क्या चल रहा है? हाँ अच्छा, हाँ चलिए ठीक है। ट्रैफिक भी यहाँ, ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी थोड़ा इधर उधर है, क्योंकि बाहर जाम लगा हुआ है काफ़ी। लेकिन खैर ये कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स अंदर गए हुए हैं, तब तक बाहर समर्थक उनके यहाँ डटे हुए हैं मैदान में। चाची कहाँ से आए हैं? इसे तो किसके साथ आए हैं? अजय दुबे। अजय दुबे। अच्छा कौन जीतेगा चाची? कौन जीतेगा? खाना पीना खा के आए हैं कि नहीं? नहीं खाए। खाना पीना नहीं खाए हैं? हम लोग का भी वही हाल है चाची, चुनाव में बोले था जीते जाए। अच्छा चाची आप कहाँ से आए हैं? मुठकी
से हम लोग सब आए हैं। सब पुटकी से आए हैं? हाँ। एक मिनट, तो एक बात बताइए चाची, कौन जीतेगा इस बार? यही पार्टी जीतेगा। यही पार्टी जीतेगा? यही पार्टी। कौन सा? जो आपकी दोस्त बोल रही थी वो वाला पार्टी। इधर दीदी, इधर इधर दीदी मुड़िए ना, हम बात करेंगे। ऊपर हल्का हल्का तो सवाल है, नाम क्या है? हम लोग हिंदी नहीं आते। हिंदी नहीं आता? खोटा। काजल। नाम की लागो? काजल कुमारी। काजल, अच्छा कहाँ से आए हैं? कुटकी से। कुटकी से बाबू बोलता है? खाना खाया बाबू? बिस्किट खाया? हाँ बाबू ने बोल दिया। हाँ चलो ठीक है ठीक है। आप कहाँ से आए चाची? कुटकी से। कुटकी से कितना लोग आए हैं? पुटकी से सब आया, लगभग 10 गाड़ी। 10 गाड़ी लोग आए पुटकी से? सब महिला लोग? हाँ सब महिला लोग। आप भी पुटकी से चाची? अच्छा चाचा भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं चाचा? पुटकी से। कितना देर लग रहा लगा इधर आने में पुटकी से? नहीं जानता सब नहीं जानते, बस आए हैं। 10 गाड़ी आया हम लोग। 10 गाड़ी आए? 10 गाड़ी आए। कितना बजे निकले थे? 8 बजे। 9 बजे। पैसा आया खाता में जेएमएम वाला जो आ रहा था मैया सामान? पैसा मिला? नहीं दिया, दो बार मिल गया। मिल गया ना? दो बार तीन बार मिल गया। मिल गया दो बार। मिल गया दो बार। आपको नहीं मिला? आपको नहीं मिला? तो अब घर में कौन कौन है? पुतोहू है, उसको मिला? मंजली पुतोहू को मिला। मंजली को मिल गया? बड़की को नहीं मिला? छोटकी को भी नहीं मिला? सास को भी नहीं मिला? लड़ाई लगवा दिए क्या सरकार? लड़ाई लगवा दिया? मंजली पुतोहू को मिल गया, सास को मिलवे नहीं किया? हम लोग को ककरो नहीं मिला। आप क्या, किसी को नहीं मिला? किसी के नहीं। किसी के नहीं? किसी के नहीं। हमको विधवा भी नहीं मिलता, मैं तो माटी भी नहीं मिलता। विधवा पेंशन भी नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। किसको वोट पड़ेगा चाची इस बार? किसको वोट पड़ेगा? बहू है इसको नहीं कुछ मिलता है। आपको भी कुछ नहीं मिलता? नहीं नहीं मिलता है। सरकार का लाभ नहीं बहुत मिला है? लाभ नहीं मिला है। अच्छा मेरा बहू को भी नहीं मिलता है? बहू के भी नहीं मिलता? फार्म भरे थे? फार्म भर के दिया। दो बहू है, एक बड़ी बहू है, एक छोटी बहू है, मंजरी बहू। अच्छा। तो लोग को नहीं मिला है? नहीं मिला है। मेरा बहू को भी नहीं मिला है। अच्छा। इस बार? अच्छा एक बात बोलो, हो लो तो लोग फार्म भरा हम फार्म भर कर दिया, नहीं मिला हम लोग को? नहीं मिला ना। अच्छा एक बात बताइए, वोट किसको पड़ेगा इस बार? सरकार किसका बनेगा? अजय दुबे। अजय दुबे का? अजय दुबे। अजय दुबे का? सब उसी का हम लोग देंगे। सब उसी का? सब पुटकी वाले उन्हीं के लिए आए। अच्छा और बताइए, आप लोग जहाँ है पुटकी में वहाँ सब व्यवस्था बना है? अच्छा है पानी का व्यवस्था? पानी का व्यवस्था है? घर दुआर का दिक्कत है? घर का दिक्कत है? घर का दिक्कत है? पानी जब गिरता घर में डाल कर हम लोग घर पार्टी के घर में रहता है? पानी गिरता है? पानी गिरता? घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए ना? और सब व्यवस्था हम लोग पानी का कमी नहीं है, खाली घर द्वार का थोड़ा चाहिए। घर द्वार का कमी है और पैसा आना चाहिए जो जो आ रहा है, किसी का आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है। 4-5 आदमी का पेंशन मिलता है ना, वो लोग 6 महीना से नहीं आ रहा है। पेंशन नहीं आया? ना पेंशन नहीं आ रहा 6 महीना से। अच्छा 1000 रुपया जो पेंशन मिलता, पति मर गया तो मिलता, वो पैसा 6 महीना से नहीं आ रहा है। विधवा पेंशन? हाँ विधवा पेंशन नहीं आ रहा है। 4-5 आदमी का पेंशन नहीं आ रहा हो गया देर दिन। आपका भी पेंशन नहीं आ रहा है? आता रहा बंद हो गया, तो देश को मिल रहा था बंद हो गया 4 साल हो गया। अच्छा तो किसका सरकार बनेगा चाची बताइए? सरकार बनेगा अच्छा तभी ना पेंशन आएगा। तो बन रहा का नहीं जुलूस दौड़ रहा का? जुलूस में तो दौड़बे कर रहा जेबर को। अच्छा मेरा तो ये करो पेंशन के जो मिला है उसको मिला दीजिए, फार्म भरा है। वोट दीजिएगा ना आप लोग, अच्छा को वोट देना है तो खुद पेंशन मिलेगा। ठीक है तो ये नज़ारा है धनबाद के मेमको मोड़ का। समर्थक आए हुए कांग्रेस के समर्थक जो हैं, महिलाएं जो हैं पुटकी से आई हुई हैं, उनका कहना है 10 गाड़ियों में वो आई हैं। उनसे बात हुई, उनका क्या कहना है आपने सुना? खैर थोड़ी देर बाद मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ।